हाय गाइस, केम जो आई एम कृतिका, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंस्टाग्राम पे जब भी ज्वेलरी रील पोस्ट करती हूँ ना, तो मुझे बड़े सारे कमेंट्स एंड डीएम्स आते हैं फॉर द लिंक्स। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार यूट्यूब वीडियो करते हैं। मैंने ना बहुत सुंदर बड़े प्यारे प्यारे ज्वेलरी पीसेस ढूंढ के निकाले हैं अंडर ₹300 फ्रॉम मीशो, एंड इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, सो आई होप आपको देखने में मजा आएगा। एंड मीशो, इफ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज स्पॉन्सर मी। विद दैट बींग सेड, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। वी हैव अ लॉट ऑफ बॉक्सेस टू गो थ्रू, एंड लेट्स ओपन दिस वन फर्स्ट। इसमें वी हैव ब्यूटिफुल इयर रिंग्स। मेरे को प्राइजेस याद नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी कि अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, बट दिस इज हाउ द इयर रिंग्स लुक्स लाइक। कितना सुंदर है यार। इसमें ना ये जो हार्ट है ना, वो होलोग्राफिक लाइक जो रेनबो इफेक्ट आता है ना, वैसा वाला है, जैसे मेटल मेल्ट होके गिर रहा हो वैसा। ये काफी ना गोथिक वाइब्स देता है, लाइक एंजल डेविल वाला कलेक्शन जो होता है ना वैसा, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड एज यू कैन सी हियर, पहनने के बाद ये बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड इस पे अगर धूप पड़ती है ना, तो ये जो हार्ट है वो काफी ज्यादा ऐसे यू नो रेनबो इफेक्ट देता है। आई लव इट, क्वालिटी इज रियली गुड। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पहनने के बाद, सो आई गिव अ गुड 9 out of 10। नाउ लेट्स ओपन दिस। इसमें दो इयर रिंग्स आए हैं मेरे को, आई गेस। हाँ जी, दिस वन इज माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि ये ना मैंने काफी सारे क्रिएटर्स के पास देखा है। एंड अगर आप के ड्रामास देखते हो, तो काफी कोरियन एक्ट्रेसेस को ये पहनते हुए भी आपने देखा होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हुप्स इयररिंग, जिसपे ना मार्बल सॉर्ट ऑफ अ प्रिंट है। ये आइवरी कलर में है विथ गोल्डन डिटेलिंग्स, एंड ये हुप्स है। एंड इफ यू सी हियर, ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे, लाइक सच में मुझे ना के ड्रामा वाले वाइब्स आ रहे थे। द क्वालिटी ऑफ दिस इयररिंग्स इज ब्यूटिफुल, आई गिव अ गुड 10 on 10। काफी सुंदर है, लाइक आप पिंटरेस्ट पे एस्थेटिक्स वाइब्स अगर सर्च करोगे तो काफी लोग ये चीज पहनते हैं। सो या यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। बॉक्स में एक और इयर रिंग्स आया है, एंड यू गाइज आई किड यू नॉट, इफ यू आर इन टू बो ट्रेंड देन यू शुड गेट योर हैंड ऑन दिस वन। ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारे से इयर रिंग्स है। ऊपर से इफ यू सी, इसमें ना छोटू सा रोज बना हुआ है, उसमें एक स्टड डायमंड भी है, एंड देन नीचे ऐसे वो है जो वेलवेट का बना हुआ है। क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, एंड ये बहुत सुंदर लग रहे हैं पहनने के बाद। एंड अभी ना आजकल ऐसा ट्रेंड भी चल रहा है कि आपका मोनोक्रोम या बेसिक आउटफिट होता है और उसमें पॉप ऑफ रेड कुछ ऐड करते हो। इफ यू सी योर लाइक कुछ इयर रिंग्स या बैग या बेल्ट या हील्स ऐसा कुछ, सो दिस इज परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग दोज लुक्स जहाँ पे आप पॉप ऑफ कलर ऐड करना चाहते हो। क्योंकि यार ये कितने सुंदर, रेड भी नहीं है, मरून भी नहीं है, ब्लड रेड जैसा होता है ना वैसा बो है, एंड इट्स बो गाइज। ये कितना क्यूट लग रहा है, सो आई गिव अ गुड 9 on 10 टू दिस इयर रिंग। लेट्स डाइव इन टू दिस वन, एंड ये मेरे टॉप से मैच कर रहा है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। सो हियर वी हैव, ये काफी क्यूट इयर रिंग्स है, लुक एट दिस यू गाइज। यहाँ पे ना हार्ट बने हुए है, एक गोल्डन कलर का और एक मरून कलर का। आई एम इन टू दैट ट्रेंड, ओके, पॉप ऑफ रेड वाला, एंड मुझे उसके लिए कुछ चीजें चाहिए थी। एंड ये देखो पहनने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। इसका जो नीचे वाला हार्ट है वो डैंगलर की तरह है, जो इधर उधर होता रहता है, एंड इट्स इन द शेड मरून, जो काफी ज्यादा यू नो पॉपुलर वायरल कलर है इस सीजन के लिए। ये जो क्वालिटी है ना, वो इतनी ज्यादा लग्जरी वाली क्वालिटी नहीं है, ये ना वो हल्का सा जैसे प्लास्टिक टाइप मेटल से बना हुआ होता है। ये ऊपर का जो हार्ट है ना गोल्डन, वो कुछ ऐसा लगता है। सो आई गिव अ गुड 7.5 out of 10, क्योंकि पहनने के बाद ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, बड़े ही क्यूट से लग रहे हैं, बट क्वालिटी इज मैं। इसके साथ साथ वी हैव अ फिंगर रिंग। आई वॉज सुपर एक्साइटेड फॉर दिस रिंग, क्योंकि इसको मैंने ऐश्वर्या के वीडियो में देखा था, एंड उनको बड़ा ही प्यारा लगा था, उनकी क्वालिटी भी काफी सही आई थी, सो वहीं से मैंने ऑर्डर किया था। बट गाइज, दिस रिंग इज नॉट गिविंग एट ऑल। इसमें जो नाइकी का सिम्बॉल है ना, वो भी इतना प्यारा नहीं बना हुआ है। एंड इफ यू सी हियर, इसका जो क्वालिटी है वो काफी ठीक ठाक है। इसमें बबल्स बने हुए हैं, एंड ये ना इतना क्लीन लुक नहीं दे रहा है। सो आई गिव अ गुड 6.5 out of 10, बिकॉज अगर आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये थोड़ा सा महंगा है
कंपेयर टू द क्वालिटी. इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी, बट द डिजाइन इज ब्यूटिफुल. एंड इफ यू आर इन टू सिल्वर ज्वेलरी देन यू शुड चेक दिस वन आउट. यू नेवर नो, मीशो पे ये होता है कि एक बंदे को अच्छी क्वालिटी मिलती है, दूसरे बंदे को नहीं मिलती है. तो आप खुद ऑर्डर करके देख सकते हो, 10 days ईजी रिटर्न है. सो अगर क्वालिटी अच्छा ना आए तो आप रिटर्न कर देना, अगर अच्छा आया देन रख लेना, बिकॉज रिंग बड़ा ही प्यारा है, डिजाइन बड़ा ही प्यारा है. बट मेरा क्वालिटी इतना सही नहीं आया है, सो आई एम गोना गिव अ थम्स डाउन. नेक्स्ट अप वी हैव अ ब्यूटीफुल इयररिंग्स. इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, दिस वॉज द फर्स्ट ज्वेलरी रील जो मैंने पोस्ट किया था एंड बड़ा ही लोगों को पसंद आया था. ये ना सेफ्टी पिन जैसा डिजाइन है और नीचे छोटू सा ग्रीन कलर का हार्ट दिया है. इफ यू सी हियर, पहनने के बाद बड़ा ही प्यारा लग रहा है. एंड इसका जो ग्रीन हार्ट है ना, उसके ऊपर भी एक व्हाइट कलर का डायमंड का रिंग बना हुआ है, तो ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है. बट गाइज, ये ना येल्लो येल्लो वाला गोल्ड है, जो मिनिमल ज्वेलरी एस्थेटिक ज्वेलरी में आप गोल्ड देखते हो ना, वैसा नहीं है. बट द डिजाइन, द क्वालिटी, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अदर देन द शेड ऑफ गोल्ड. एंड आई गिव अ गुड 8.5 out of 10. नेक्स्ट अप, आई हैव अ बंच ऑफ इयररिंग्स. यू गाइज, आई किड यू नॉट, मैंने यही सेम सेट ना हाई एंड ज्वेलरी ब्रांड में भी देखा था, एंड दिस वॉज रिटेलिंग फॉर 2000+ समथिंग. एंड आई फाउंड दिस ऑन मीशो, क्वालिटी काफी सही आई है. यहाँ पे एक जो स्टड है ना, वो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है. ये कितना क्यूटू सा छोटू सा फ्लावर है. एंड देन यू गेट टू मोर स्टड, स्टार एंड डायमंड, एंड देन आपको 3 हुप्स मिलते हैं. मैंने ना स्पेशल इसके लिए ही लिया था, लाइक द मैंगो कलर, देन यू गेट अ व्हाइट एंड अ गोल्डन हुप्स. दोनों कानों में मैंने अलग अलग पहना है, सो दैट यू गाइज कैन सी कि ये कैसा दिखता है. एंड ऊपर मैंने स्टड्स भी डाले हैं, बहुत ही सुंदर लगता है. अगर आपने ऊपर भी पियर्सिंग करवाया हुआ है, यू शुड गेट योर हैंड्स ऑन दिस सेट. एंड आई जस्ट लव इट, लव द क्वालिटी. आई गिव अ गुड 10 on 10 टू दिस प्रोडक्ट. मतलब इफ यू आर इन टू हुप्स एंड आपने ऊपर पियर्सिंग करवाया है, एंड यू आर लाइक कि साथ में क्या पहना जाए, देन गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन. ये आपका काम काफी इजी बना देता है व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग, सो आई गिव अ थम्स अप. नाउ लेट्स जस्ट ओपन दिस वन. आई नो व्हाट दिस वन इज. मैं ना सबसे ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड थी व्हेन आई प्लेस्ड ऑर्डर, बिकॉज ये ना बहुत ही सुंदर सा नेक पीस है. इसके एक साइड पे ना, रुक जाओ जरा, आई डोंट नो इसको पकड़ा कैसे जाए, बट या इसके एक साइड पे आपको ऐसा स्टड वाला पार्ट मिलता है, देन दूसरा साइड है वो ये गोल्डन चंकी सा जो चेन आता है वो है. रुको, आई एम सो बैड एट दिस यू गाइज. मतलब आज से पहले ना मैंने ज्वेलरी का वीडियो कभी नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि इसको दिखाया कैसे जाए. बट हाँ, देखो, दिस इज द लॉक सिस्टम, एंड ये कुछ लॉक करने के बाद पेंडेंट जैसा बन जाता है. मुझे बड़ा ही प्यारा लगा पहनने के बाद, ये कितना सुंदर लग रहा है. आप इसको काफी सारे आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो. पार्टीज के लिए दिस इज परफेक्ट, पार्टी ड्रेसेस के साथ बहुत सुंदर लगेगा ये. बट द क्वालिटी ऑफ दिस पीस इज ओके, लाइक आप इसको 8 या 8.5 दे सकते हो. मतलब ये जो है ना, उसका क्वालिटी प्लास्टिक की टाइप है, मेटल नहीं है. एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कितने टाइम तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि ये एंटी टार्निश तो नहीं ही होगा. बट या द डिजाइन इज ब्यूटिफुल, सो आई गिव अ गुड 8.5 एंड अ थम्स अप. नाउ लेट्स गेट इनटू दिस वन. ये वैम्बले करके कुछ ब्रांड है जहां से आया है, मतलब मीशो से ही मैंने लिया है. ओह, दिस इज अनदर नेक पीस. एंड ये ना काफी वो एंजल एंड डेविल वाले में से, जो एंजल होता है ना, उसका वाइब दे रहा था मुझे, एंजेलिक वाइब दे रहा था. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. बीच में बड़ा ही प्यारा सा बटरफ्लाई बना हुआ है, देन ऐसे छोटू सा डैंगलिंग टाइप चेन भी दिया है जिसमें स्टार है, एंड देन ऐसा आपको चेन मिलता है. ये पहनने के बाद बड़ा ही सुंदर लग रहा था. एंड ये ना काफी ज्यादा जेंजी वाइब दे रहा था मुझे, काफी ज्यादा कूल गर्ल वाले वाइब्स दे रहा था. सो आई लव इट. क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, सो आई गिव अ गुड 9 on 10 एंड अ थम्स अप. Now let's get into this bag and see what we have here. Okay, the packaging is giving me like मैंने कुछ गोल्ड की शॉपिंग कर ली हो. जब आप रिंग या पेंडेंट खरीदते हो ना, तो ज्वेलर आपको ऐसा बॉक्स देता है. लेट्स ओपन एंड सी क्या है इसमें. यू गाइज, आई किड यू नॉट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वाले इयररिंग्स
इसमें होंगे बट आई गिव इट टू द सेलर. दिस इज द स्मॉलेस्ट होप्स दैट आई ओन. कितना प्यारा सा है. ब्लैक कलर के हार्ट्स बने हुए हैं एंड सिल्वर इसका बेस है. क्वालिटी इज रियली गुड. पहनने के बाद ये काफी सुंदर लग रहा है. लाइक कितना क्यूट लग रहा है. डेफिनेटली आप इसको अपने ब्लैक आउटफिट्स के साथ पहन सकते हो एंड ये काफी क्यूट लगेगा क्योंकि इस पे हार्ट्स बने हुए हैं यार. एंड ये हुप्स वाला पैटर्न है. मुझे हुप्स ज्यादा पसंद है. मुझे स्टड्स नहीं पसंद आते. मुझे लंबे इयररिंग्स भी पसंद आते हैं बट आई एम नॉट अ स्टड पर्सन. सो hoops are my thing and I give a good 10 on 10, a thumbs up to this one. So that's it for today's video guys. I really hope ki aapko ye video pasand aaya hai. Description box check kar dena, maine wahan pe links rakhe hai jo affiliate hai. But apna bahut sara pyar dikha do, apna bahut sara support dikha do so that I can do more such videos. Theek hai. Do like this video, comment karke batana kaun sa design bahut pasand aaya aapko and share this video with your friends and family. And yeah, agar channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai then what are you waiting for? Subscribe to my channel. I'll see you super soon in my next video. Tab tak stay safe. Love you. Bye.